जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 23 अर्जियां उनमें डाली गई थी, सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वो फैसले की घड़ी आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बरकरार रखा है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटिया हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है 370 हटाने को लेकर, जो फैसला सुनाया जाना था उसको बरकरार रखा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम और फैसलों को सुरक्षित रखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझाइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक संविधान संशोधन के जरिए हटाया गया था। उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर के कुछ संगठन थे जो इसके खिलाफ थे और वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। लगभग 23 याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई और उन पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 जो हटाया गया था, अनुच्छेद 370 को जो हटाया गया था वो संवैधानिक रूप से था और अब उसे फिर से लागू नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी खबर है देश और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए, खासतौर से सरकार के लिए एक बड़ा राहत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि लगातार जिस तरह अर्जी दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लगातार जो संगठन थे उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है। तो अब सरकार के उस फैसले पर सुप्रीम मोहर लग गई है कि जो अनुच्छेद 370 था उसका हटना संवैधानिक है और सरकार का जो फैसला है वो संवैधानिक है। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 370 को हटा के वक्त जो केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया था जम्मू एंड कश्मीर से, उसको फिर से पूर्ण राज्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले, साथ ही साथ सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव हो और सरकार का गठन हो। तो जो अलग अलग राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि वहां पर फिर से राज्य का दर्जा उसे दिया जाए जम्मू कश्मीर को और वहां पर सितंबर तक चुनाव कराए जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र। और इसी के साथ हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और ये फैसला सुरक्षित रखा गया है, बरकरार रखा गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कब तक फैसला आएगा और उस पर कब चुनाव होंगे, जिस तरीके से कश्मीर को लेकर लगातार सवाल उत्पन्न होते आए हैं, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और ऊपर से जम्मू कश्मीर की जनता का ये फैसला, चुनावों का एक बार ऐलान हो जाना, अब किस तरीके से देखते हैं आगे की स्थिति, जम्मू कश्मीर की क्या कुछ रहने वाली है? धारा 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां थी और इसके अलावा और भी जो दल के देश के अध्यक्ष में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी 370 को पार्लियामेंट से जब पारित करके हटाया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा पहले उसको रिमूव किया गया था। उसके बाद इस मसले को लेकर के लगातार पिछले कई वर्षों से इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस फैसले को सुना है, उसने साफ तौर से कहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो फैसले लिए गए थे, यानी राष्ट्रपति ने जो 370 को निरस्त किया था, वो बिल्कुल वैध था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ने जो निरस्तीकरण के जो वहां पे आदेश जारी किए गए थे राष्ट्रपति भवन के द्वारा, वो भी बिल्कुल वैध है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दे। साथ ही साथ
तो तकनीकी खामियों के चलते जितेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसी के साथ आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट लगातार इस फैसले पर सुनवाई करने को लेकर सितंबर में इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज वो घड़ी समाप्त हो चुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने को लेकर फैसला सुना दिया है और ये फैसला बरकरार रखा गया है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रख दिया है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था और साथ ही राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इन दो जगहों को बांट दिया था। और अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ नागेंद्र भाटी बने हुए हैं। नागेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या कुछ अहम बातें हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया है कि जो अनुच्छेद 370 था उसको हटाना जो सरकार का फैसला था, साथ ही साथ राष्ट्रपति का फैसला था, तो वो संवैधानिक तरीके से है। अब अनुच्छेद 370 का कोई अस्तित्व जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये एक बड़ा फैसला है, केंद्र सरकार को भी इसमें राहत है क्योंकि लगातार जो J&K के कुछ संगठन थे उनकी तरफ से लगातार इसका ना सिर्फ विरोध किया जा रहा था बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी उनकी तरफ से खटखटाया गया था। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि उसको राज्य बहाल किया जाए, साथ ही साथ सितंबर तक, 2024 सितंबर तक वहां पर चुनाव कराया जाए। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो अब वहां फिर से चुनाव कराए जाएंगे क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी तरफ से शुरू से ही इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि हर केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनना चाहता है, लेकिन यहां उल्टा है कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये अभी परमानेंट नहीं है, आगे इसको जब स्थिति सुधरेगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जरूर अपने आदेश में कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और वहां पर फिर से चुनाव कराए जाए, चुनाव के बाद वहां सरकार बनवाई जाए। बिल्कुल, चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चुनाव की जो डेट है वो सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल, उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया। 30 सितंबर 2024 को विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, इसको लेकर हमारे पास अपडेट आ चुकी है नागेंद्र। देखिए, 30 सितंबर 2024 तक वहां सरकार बननी है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी भी राज्य के अंदर चुनावों की तारीख तय करे, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि 30 सितंबर 2024 तक उसे राज्य का दर्जा देकर जम्मू कश्मीर को वहां चुनाव कराया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहां जो तारीखें हैं चुनाव की वो दी जाएंगी, अभी कोई तारीख नहीं है, लेकिन एक डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए 2019 से 2023 तक की, तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला था और अब इस फैसले के बाद क्या कुछ जम्मू कश्मीर की तस्वीरें रहने वाली है नागेंद्र? देखिए, जिस वक्त 5 अगस्त 2019 की जो तस्वीर थी, उस वक्त ये लग रहा था कि बहुत बड़ा विरोध वहां जम्मू कश्मीर के अंदर इसका होगा, आगजनी होंगी और जैसे पत्थरबाजी वहां पर होती थी उस तरह की घटनाएं होंगी। उसके लिए सरकार की तरफ से वहां पर जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको तैनात किया गया था और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे हर जगह कि कहीं से भी इस तरह की खबरें ना आए। लेकिन जिस तरह के विरोध की उम्मीद की जा रही थी उस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला और 2019 के बाद से लगातार वहां पर स्थिति
सुधरी है। जिस तरह की घटनाएं वहां पहले होती थी, पत्थरबाजी या आर्मी और भारत सरकार के विरोध की, उस तरह की घटनाएं अब वहां दिखाई नहीं देती हैं। और जैसा कि केंद्र सरकार लगातार दावे करती आई है या कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसे भी आम जो लोग हैं उन तक लाने की कोशिश की जाएगी, और कई ऐसे जो आतंकी संगठन थे उनकी तरफ से भी इस दौरान सरेंडर किया गया है। तो परिवर्तन तो वहां देखने को मिला है। अब क्योंकि वहां सरकार बनेगी तो उसके बाद शायद और ज्यादा डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देनी चाहिए। और बिल्कुल इस तरीके से चुनाव अब आगे जो लड़े जाएंगे उसको लेकर सरकारों का क्या कुछ कहना है, ये सब सवाल अपने आप में उत्पन्न हो रहे हैं। और इसी के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये फैसला किस हद तक सही है? बहुत स्वागत होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि भारतीय इतिहास में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसला है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बार बार अभिवादन करता हूं, उनको नमन करता हूं, और मैं मानता हूं कि ये फैसला भारतीय इतिहास में कितने ही जनरेशन तक लोग इसको याद रखेंगे, और जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरेगी इससे, और सरकार का आर्थिक सामाजिक जो भी प्रयास है वो जो किए जा रहे हैं वो बहुत सारगर्भित हैं। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस 370 का लगातार जारी रहना जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, और वहां से जो आतंकवाद की जो घटनाएं होती थी, जैसे अभी बता रहे थे कि पत्थरबाजी होती थी, गोलियां चलती थी, हमारे अर्धसैनिक बालकों को मर्डर कर दिया जाता था, इस पर लगाम लगेगी। और मैं मानता हूं कि 370 का लगा रहना बहुत जरूरी है देश हित में, जम्मू कश्मीर के हित में। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी अपना फैसला सुनाया तो मैं जानना चाहती हूँ एक अधिवक्ता होने के नाते उन किस चीजों को मद्देनजर रख के ये फैसला सुनाया गया है? देखिए, अभी इसका वर्डिक्ट तो जो जजमेंट है वो पूरा आएगा तो उसको क्लियर पढ़ के बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ जो तथ्य जो लिए जा रहे थे, तथ्य ये थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन चैन रहे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया, जो सरकार के प्रयास हैं उस पर ध्यान दिया, और जिस तरह से वहां पर हिंसा हो रही थी, हिंसा को कंट्रोल हुआ है वहां पर, हिंसा का पूरी तरह से कंट्रोल है, तो उन सब चीजों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इन सब तथ्यों को ध्यान रखते हुए आदेश पारित किया है, और इसका विस्तृत ऑर्डर देखने, जजमेंट जो देखने के बाद इसकी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन जितने प्राइमा फेसी जो हमने देखे थे तर्क, उन तर्कों के आधार पर जो केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए थे और विपक्षियों का जो अनर्गलबाजी प्रयास किया जा रहा था, एक देश के खिलाफ एक षड्यंत्र करने वाले कुछ लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश में शांति हो, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सभी तथ्यों का अवलोकन किया है। सभी तथ्यों को देखने के बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किया गया है, और मैं मानता हूं कि ये आदेश अभूतपूर्व है, और ये बिल्कुल जिस तरह से लोग आते हैं अलगाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस जो आती है उसे उसका विरोध करते हैं वो लोग, तो उनके मुंह पर एक तमाचा है ये, और सरकार को साधुवाद इसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद इसके लिए, और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई इसके लिए कि उनको एक अभूतपूर्व जो फैसला सरकार ने किया था वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर मोहर लगा दी है। और मैं मानता हूं कि इससे अमन चैन होगा, जनता को इन जो गलत लोग थे उनसे निजात मिलेगी, और जो आतंकवाद की समस्या थी और भी जो समस्या थी वो सब खत्म होगी। बिल्कुल, इतिहास में आर्टिकल 370 लिखा जाएगा, क्योंकि 4 साल 4 महीने और 6 दिन का जो वक्त था अब वो खत्म हो चुका है। तो मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, छोटा सा मेरा सवाल रहेगा कि किस तरीके से इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है, इन फैसलों में कौन से ऐसे अहम बिंदु है जिनको मद्देनजर रखते हुए अब जम्मू कश्मीर की तस्वीरों में खासतौर पर बदलाव देखने को मिलने वाला है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2-3 बातें विशेष रूप से रखी गई थी, और जिनको मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने जरूर संज्ञान लिया गया होगा उनके उच्चतम न्यायालय के द्वारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे केंद्र सरकार का तर्क था कि सामाजिक आर्थिक और विकास, समान अधिकार और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये रखा उन्होंने, बेहतर शासन और सुशासन का उन्होंने कहा कि हम बेहतर शासन सुशासन देंगे, और जितने भी राष्ट्रीय कानून हैं या जो वहां सरकार के द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं वो प्रॉपर रूप से क्रियान्वित होंगी, और जो भी वहां जिस तरह के ये प्रोपोगंडा किया जा रहा था सरकार के खिलाफ, सरकार ने उस पक्ष को प्रॉपर रखा है। तो मैं मानता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको देखा और देखने के बाद इस पर ये अभूतपूर्व फैसला दिया,
और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में, मैं आपको आज का आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सूरत ही और होगी। लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे और पूरे देश का एक अभिन्न पार्ट था ये हमारा, अभिन्न पार्ट रहेगा और ये जो इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही थी उन समस्याओं से लोग मुक्त हो जाएंगे। राज्य का दर्जा भी जल्द बहाल करने की सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को? नहीं, बिल्कुल एक बढ़िया सरकार आएगी और जब बढ़िया सरकार आएगी तो लोग निश्चित रूप से वहां की जो योजना है, चाहे विकास की योजना हो, चाहे सुशासन हो, गुड गवर्नेंस हो, या जो भी वहां पर जो सरकारें काम कराना चाहेंगी, तो एक अभूतपूर्व फैसला आ गया ये। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इससे बहुत खुश होंगे, इसमें एक खुशी की बात है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से गुड गवर्नेंस होगी, वहां विकास होगा, सरकार की नई नई योजनाएं आएंगी, नई नई योजनाएं आएंगी तो कार्य होंगे जाकर के धरातल पर, जीरो ग्राउंड पर काम होंगे, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर बदलेगा और जम्मू कश्मीर ही नहीं वहां के लोगों की खुशहाली बदलेगी। बड़े लंबे समय से लोग इतने परेशान थे वहां, कितने ही लोग भागे वहां से, कितने लोगों की जान गई वहां पर, ये सब लोगों का इनका काला मुंह होगा जो इसके लिए लगे थे। और मैं मानता हूं कि बिल्कुल एकदम से देश के अंदर एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा, इससे जम्मू कश्मीर के अंदर वातावरण बनेगा और सरकार बनने से वहां घर घर तक विकास की जो योजना है जन जन तक पहुंचेंगी, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जुड़ करके बड़ा काम करेंगे वहां पर। मैं मानता हूं इस बात को और ये बहुत अभूतपूर्व फैसला है जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता बने हुए हैं, तो नागेंद्र भाटी का रुख करते हैं। नागेंद्र, अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है उनमें एक मुख्य बात यह भी है कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा लद्दाख को। देखिए, जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया था, उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला भी लिया गया था कि जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो 2019 से ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही है। अब जम्मू कश्मीर को अलग से एक राज्य बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। अब क्योंकि अभी पूरा आदेश नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल यही है कि जम्मू और कश्मीर को राज्य बनाकर वहां 30 सितंबर 2024 तक सरकार बनानी होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है अपने जो वर्डिक्ट है आज का उसमें कहा है। तो लद्दाख तो पहले से ही यूनियन टेरिटरी है जी, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि अब आतंकी गतिविधियां भी कम हो सकती हैं इस आर्टिकल के हटाने के बाद। देखिए, ये तो 4 साल हो गए, आज नहीं हटा आर्टिकल, 4 साल इसको हो गए हैं। फैसले को सुरक्षित रखा गया है ना, बरकरार रखा गया है, क्योंकि इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होने लगी थी, सरकार द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया की गई थी। अब उसके बाद जब फैसले का इंतजार था, अब उस फैसले की घड़ी तो खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। अब इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें होने वाली है, हम इसकी बातचीत कर रहे हैं नागेंद्र। मैं वही कह रहा हूं निशी, क्योंकि पिछले 4 साल से अनुच्छेद 370 वहां पर निष्प्रभावी है, वहां केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं, तो लगातार जो बदलती हुई तस्वीरें हैं वो वहां सबने देखी है ना। आज वहां आतंकवाद चरम पर है, ना आज वहां गोलियां चलती हैं, ना आज वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, लोग जो है वो मूल धारा से जुड़ते हुए दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही। नागेंद्र, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमानंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमानंद जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ इस फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह केस टेकअप ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही केस टेकअप कर सकता जो भारत के संविधान से जुड़े हुए केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानता है कि वो भारत के संविधान से नहीं जुड़ा है, तो उनको टेकअप ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने टेकअप किया है इस चीज को, तो अब आपका ये एक देर आया दुरुस्त आया, उन्होंने एक फैसला सुना दिया कि यह पार्लियामेंट सुप्रीम
पार्लियामेंट के फैसले को नहीं बदला जा सकता है। पार्लियामेंट ने बहुत दिनों तक इंतजार किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया तो उसी समय यह क्लियर हो गया था कि ये पार्लियामेंट के निर्णय को सही ठहराएंगे और सही ठहराया गया। मैं इस चीज से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो संजय किशन कौल ने इस बात को कहा है कि एक ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन गठित किया जाना चाहिए जो सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखे और उस चीज को करे, और जो 2024 के सितंबर 30 तक चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि वहां पर चुनाव कराया जाए और लोगों का विचार को जाना जाए कि किस संविधान को ले आते हैं। एक चीज ये है कि मैं इस फैसले का इस अर्थ में स्वागत करता हूं कि इस फैसले के बाद, पार्लियामेंट के इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर वहां पर जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है वो कम हुआ है और आतंकवादी लोग बहुत पीछे खिसक गए हैं। अब ये CIA की इसको प्रगति की रफ्तार वहां पर तेज होगी, मेरा अपना मानना है, इस लिहाज से मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आज भी इस चीज को मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसको इन लिमिनी डिसमिस करना चाहिए था, 60 घंटे इस पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात फैसला क्लियर था कि पार्लियामेंट का जो फैसला है वो ठीक है, इस नाते उनको तुरंत का 5 मिनट के भीतर ही उस फैसले को रिजेक्ट कर देना चाहिए था इस चीज को कि नहीं मैं इसको नहीं सुनूंगा क्योंकि वो भारत का अविभाज्य अंग हो गया है। परमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आपका पक्ष बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल फैसला सुनाया है और वो किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, उसमें मुख्य बिंदु क्या कुछ हो है? नहीं, मुख्य बिंदु तो इसमें यही है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट की बात को मान लिया है कि हाँ ये एक अविभाज्य अंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर ऑर्डर पास किया है वो भी एकदम सही है, उसमें कहीं से कोई बात नहीं सकती है, रोकी जा सकती है। धारा 370 को उन्होंने खत्म कर दिया है और इस चीज को उन्होंने माना है कि धारा 35A चोर दरवाजे से ले आया गया था और उस चोर दरवाजे के बंद कर दिया गया है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं। धारा 335A के कारण बाहर का कोई व्यक्ति न वहां बस सकता है, न वहां नौकरी कर सकता है, न वहां जमीन खरीद सकता है। ये बात अलग है कि हम मतलब अगर हमको मिली हुई है सुविधा तो हम बंबई या मद्रास में भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम हमारे ऊपर रोक तो नहीं है कि हम वहां नहीं खरीद सकते हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से थी कि वहां हम बस ही नहीं सकते हैं, वहां हम नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। नौकरी भी हम अगर करना चाहें राज्य सरकार की तो नौकरी भी नहीं कर सकते थे अगर हम भारत के उस हिस्से से नहीं आते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस लिहाज से हमको इसका स्वागत करना चाहिए कि वहां पर धारा 35A खत्म कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमाणन जी, जी प्रमाणन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ नागेंद्र भाटी का भी रुख कर लेते हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़े हैं परमानंद जी, उन्होंने तमाम मुख्य बातें कही कि ये एक जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ही एक अच्छी बात है क्योंकि यहां से आतंकवाद पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, ना वहां पर कोई बिना इजाजत की नौकरी कर पाएगा, ना वहां कोई रह पाएगा, और इस तरीके से वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो ये पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, अब उससे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अब जमीनी स्तर पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर की जनता का इस फैसले के बाद क्या कुछ कहना है? देखिए, जम्मू और कश्मीर की जनता से अभी हमारी बात नहीं हुई है कि वहां की जनता इस फैसले के बाद उनका रिएक्शन क्या है, लेकिन आर्टिकल 370 जो है, जिस वक्त कश्मीर भारत के अंदर विलय हुआ था, उस वक्त जब तत्कालीन सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 और धारा 35A जब जोड़ी गई थी तो उसमें भी ये संसद के अंदर कहा गया था कि ये अस्थाई तौर पर जोड़ी गई हैं और ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। संसद इसका इंतजार करता रहा, देश इसका इंतजार करता रहा, लेकिन 70 सालों तक भी ये और मजबूत होता गया और लगातार इसका विरोध भी होता गया। 2019 को
केंद्र सरकार की तरफ से इसे निष्प्रभावी किया गया और उसके बाद से जो बदलाव हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखे गए हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर रहे हो या फिर जो पत्थरबाजी वहां पर होती थी उसको लेकर रहे हो या और जितने भी गैर कानूनी तरीके से वहां काम होते थे उनकी बात हो, अब मुख्य धारा में आता हुआ जम्मू कश्मीर दिख रहा है। और पहले तो सिर्फ कहा जाता था लेकिन अब पिछले 4 सालों से लगता है कि वास्तव में जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, क्योंकि वहां भी उनका भी झंडा तिरंगा ही है और भारत का झंडा भी तिरंगा है। पहले उनका झंडा अलग होता था और पूरे देश का अलग राष्ट्रध्वज होता था, तो ये सब चीजें अब बदली हैं और इसका इसको ही सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार का फैसला था, जो राष्ट्रपति का फैसला था, उसको जायज ठहराया है। अब आगे क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से ये जो फैसले की अटकलें बनी हुई थी, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इस फैसले को आधा अधूरा ही सुनाया गया था, अब उसके बाद जब पूरी जानकारी आ चुकी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और वो कोई 4 लाइन का फैसला नहीं होता है, उसका पूरा वर्डिक्ट होगा, वो पढ़ के पता चलेगा कि कहां क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल मोटी मोटी जो बातें हैं वो ये है कि 370 जो अनुच्छेद था वो निष्क्रिय ही रहेगा। जो केंद्र सरकार ने किया था वो फैसला सही था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब पलटा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 30 सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव करा के सरकार बनाई जाए। ये 2 मोटे-मोटे फैसले इस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं। और जो 23 और अन्य अर्जियां डाली गई थी पहले के समय 2019 में, अब उसके बाद जब 2023 में यह फैसला सुनाया गया है, तो इन सभी अर्जियों पर जब ये फैसला सुरक्षित रखा गया, इस फैसले को बरकरार रखा गया है, तो अब पॉलिटिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वो क्या कुछ है, क्योंकि अब इसको एक अहम मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ने की भी कोशिश की जा रही थी, अब पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है? देखिए निश्चित, किसी भी चीज की दो चीजें होते हैं, या तो पक्ष है या विपक्ष है। जो शुरू से इसके पक्ष में थे वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत अच्छा मानते हैं और स्वाभाविक भी है कि जो फैसला उन्होंने किया वही फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू रखा है, तो उन्हें उस पर जो खुशी है वो होगी ही, वो उसका समर्थन करेंगे ही। दूसरी तरफ जो 2019 में भी इस फैसले का विरोध कर रहे थे उन्हें कोई बहुत अच्छा फीलिंग इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रही होगी, लेकिन हाँ कुछ उन्हें संतुष्टि जरूर रही है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जम्मू कश्मीर को, अब वो राज्य होगा, अब वहां सरकारें होंगी, तो जो राजनीतिक दल हैं कम से कम उन्हें अब ये खुशी है कि वहां चुनाव होगा और किसी ना किसी राजनीतिक दल की वहां सरकार बनेगी। पिछले 4 साल से जो राजनीतिक दल हैं वो वहां पर निष्क्रिय तौर पर देखे जा रहे थे, कई को सरकार की तरफ से नजरबंद किया गया था, कई संगठन जो हैं वो बिल्कुल निष्प्रभावी बैठे हुए थे, लेकिन अब जबकि वहां पर चुनाव होगा तो सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होंगी और वहां सरकार बनेगी, इसका सभी संगठनों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी समर्थन किया जा रहा है। ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले में धारा 370 को बरकरार रखा गया है और इस धारा 370 को हटाने का जो फैसला 2019 से लगातार बना हुआ था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखते हुए बरकरार रखा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि धारा 370 को हटाते हुए अगर हम आतंकवादी गतिविधियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर से इन सभी गतिविधियों को नष्ट करने की अब केंद्र सरकार की पूरी पूरी कोशिश रहने वाली है। अब केंद्र सरकार का जो मुख्य काम रहने वाला है अब वो जम्मू कश्मीर पर ही मेन फोकस रहेगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज लगातार विरोध कर रही थी जम्मू कश्मीर से 370 को बरकरार रखने को लेकर, अब उसको भी फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या कुछ रहने वाली है ये सब देखने को बरकरार है।